आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 और NIOS का क्लास 10 का 256 बेकरी और मिठाइयाँ। ठीक है, उर्दू में किस तरह से आएगा, किस तरह से आपको करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उर्दू के अंदर इसके नोट्स हैं, एक ही वन शॉट में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा मैं, किस तरह से आपको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आप इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो इसके अंदर बेकरी और मिठाइयों के अंदर जो है किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इसकी जो फहरिस्त है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो ये है अज्जाए तरकीबी। सबसे पहले है अज्जाए तरकीबी और साजो सामान। दूसरा है बिस्किट, बिस्किट के बारे में पढ़ेंगे हम, बिस्किट की क्वालिटीज़ कैसे कैसे बनता है। केक के बारे में पढ़ेंगे, आइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पेस्ट लेई या आमेजा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डबल रोटी और ब्रेड रोल के बारे में पढ़ेंगे। डबल रोटी ब्रेड रोल के बाद जो है हम डबल रोटी ब्रेड रोल पर डेनिश पेस्ट्री और क्रोसेंट, हिसाब किताब का अमल पढ़ेंगे। और बेकरी की फरहंग इस्तिलाहात क्या क्या, इन सब चीज़ों को जो है हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है सबक नंबर, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अज्जाए तरकीबी और साजो सामान, जो चैप्टर नंबर 1 है, सबक नंबर 1, इनके बारे में। और इसमें इम्पोर्टेंट भी बताऊंगा आपको कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 क्लियर करूँगा मैं इसके अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबक नंबर पहला शुरू करते हैं। तो सबक नंबर 1 के अंदर है कि अज्जाए तरकीबी और साजो सामान। सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ लेते हैं, तारुफ के अंदर क्या बात कही गई है। तारुफ के अंदर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो बेकिंग होती है, बेकिंग खाने पकाने की दीगर किसी शोबे से अलग नहीं और दीगर शोबों की तरह इसमें भी बेहतर और ताज़ा तरीन खाम अशिया से ही अच्छी नतीजे हासिल हो सकते हैं। लिहाजा सही किस्म अज्जाए तरकीबी का इंतखाब सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह खाना वगैरह पकाते हैं हम दूसरी चीज़ों से और चीज़ें तैयार करते हैं, तो खाने पकाने की दीगर शोबों से ये भी एक शोबा है बेकिंग का, और ये उससे अलग नहीं है। पेशा वाराना बेकर और कन्फिग्रेशंस की एक और बुनियादी ज़रूरत मतलूबा साजो सामान ख़रीदना है। मतलब जो इनकी जो पेशा वाराना है, इनकी सबसे पहली जो ज़रूरत है बुनियादी, वो ये है कि जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसका साजो सामान चाहिए, जैसे आटा चाहिए और जो भी चीज़ें होती हैं। इसके डिज़ाइन यानी इसके डिज़ाइन और साइज़ मुतवक्को फरोख्तगी के हजम पर मुनहसिर होता है। इसीलिए इस सबक में हम बेकरी चलाने के लिए मतलूबा जज़ाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी और सामान के बारे में सीखें। इसमें बताया जाएगा इस सबक के अंदर कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, अगर आप एक बेकरी चलाने वाले हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबक का जो मेन टॉपिक है वो यही होगा, सवाल अगर आएगा कि अगर आप जो है बेकरी चलाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, बेकरी चलाने के लिए जर्नली आपको ओवन की ज़रूरत पड़ती है ना, कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, दुकान की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें। चलिए अब इनको पढ़ते हैं क्या क्या इसमें कह रहा है। सबसे पहले कहा है कि बेकरी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फहरिस्त बना सकें, सही क्वालिटी वाली चीज़ें चुन सकें, अशिया को जल्द ख़राब होने वाली, थोड़ी देर में ख़राब होने वाली और ख़राब ना होने वाली दर्जाबंदी कर सकें, बेकरी में इस्तेमाल की जाने वाले मुख्तलिफ साजो सामान लवाजमात की फहरिस्त बना सकें, बेकरी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के अज्जाए तरकीबी के स्टोरेज के मुनासिब तरीक़ों से सुझाव दे सके, साजो सामान के मुनासिब तौर पर काम करने और तवील मुद्दत कारगर्दी के लिए उसके रख रखाव कर सके। इसके बाद है साजो सामान की सप्लाईज की फहरिस्त बना सके। अब यहाँ पर जो सवाल आता है वो ये है कि आप किस से बेक करते हैं, आप किससे बेक करते हैं, तो ये सवाल आ सकता है। बेक करते हैं तो उसका जवाब है, आप सब जानते हैं कि केक और बिस्किट बनाने के लिए चिकनाई, अंडा, आटा और चीनी जैसे मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मगर इसके अलावा दीगर चीज़ें क्या हैं। आए बेकरी के आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाएं। सवाल आ सकता है
कि आप बेक कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी फहरिस्त बनाएं। तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि आटा, सबसे पहले आटा, किसी और अनाज या गेहूं का आटा, ठीक है, भूरा आटा, सफ़ेद आटा, खमीर मिला हुआ आटा, मखवी आटा, नरम आटा। सबसे पहले आटे की ज़रूरत होती है, दो चार आटे के नाम याद कर लेना, गेहूं वाले, सफ़ेद वाले, लाल वाले, नरम वाले, ये सब। इसके बाद जो है खमीर, खमीर कैसा चाहिए आपको, ताज़ा और खुश। खमीर उठाने की कीमियाई चीज़ बेकिंग पाउडर, अमोनिंग बाइकर बॉन्ड, मीठा खाने का सोडा और नमक, मकई का आटा, दूध, रकीक दूध। देखिए रकीक होता है, जैसे हम घर में पीते हैं वो रकीक दूध होता है, भूरी चिकनाई वाला, कम चिकनाई वाला, मलाई उतरा दूध, पाउडर दूध, गाढ़ा, ठीक है, कंटेस्ट मतलब गाढ़ा दूध। इसके बाद है भाई क्रीम, चिकनाई की चीज़ें, मक्खन, और चिकनाई की चीज़ों में मक्खन आ गया, और ये आ गया हाइड्रोजन आ गया, अंडा चाहिए, चीनी चाहिए, और दार चीनी चाहिए, और आपका आपको चाहिए और दार चीनी के अंदर महीन दानों वाली चीनी, पिसी हुई शक्कर, भूरा यानी भूरी शक्कर, सुनहरे रंग का शीरा, राब या सियाल गुड़, रकी ग्लूकोज, दूध शक्कर, ठीक है, मॉल्ट शक्कर, शहद, ये सब चीज़ें आपको जो है ज़रूरत होगी। इसके बाद जो आगे आपको चाहिए वो है कोको और उस पर लगाया जाने वाला चॉकलेट, नारियल, कॉफ़ी, मेवाओं की गिरियाँ। बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता। और मेवाओं की गिरिया चाहिए, मेवा लिख देंगे आप डायरेक्ट। और इसके बाद जो है पिस्ता, गोश्त और पोल्ट्री, ताज़ा फल और सब्ज़ी, और आपको चाहिए फलों का मुरब्बा, लीमू और संतरे के छिलके, फलों की महक वाली आइसक्रीम, और जी आपको चाहिए डब्बा बंद फल, चेरी, आड़ू, अनन्नास, आम, केला, फ्रूट कैटल, फलों का आमेज़ा, मसाले और खुशबूदार चीज़ें। मसालों के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं आपकी वो आ जाएंगी मसालेदार, जैसे चार मगज़, छोटी और बड़ी इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, खशखाशन, पोस्ता, ठीक है, नटमग, जावित्री, धनिया, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च पाउडर, लौंग, दारचीनी, प्याज, तिल, मिले जुले मसाले। सफ़ूफ, अदरक, लहसुन, ज़ाफ़रान, ठीक है, और अलगच में अंगूर की शराब, रजम, रम, ब्रांडी, ये चीज़ें खैर कंपलसरी नहीं है। इसके बाद है खाने का रंग, वनीला, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनन्नास, लीमू, और इंतखाब। इसके बाद है इंतखाब, ज़खीरा बंदी और इस्तेमाल। देखो मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे सवाल जो बनता है हमारा वो ये है कि आप बेक कैसे करते हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा आटे की, खमीरे की, उसके बाद आप लिखेंगे मतलब ऊपर की मेन चीज़ें, खमीरा उठाने की कीमियाई चीज़, नमक, मकई का आटा, दूध, ठीक है, और इसके बाद आप लिख देना डायरेक्ट क्रीम, चिकनाई की चीज़ें, अंडा, चीनी, दारचीनी। इसके बाद आप डायरेक्ट लिख देना इसमें जो जो मतलब पॉइंट दे रखे हैं ना, कोको रस पर लगाए जाने वाला चॉकलेट, नारियल, कॉफ़ी, मेवाओं की गिरियाँ। इसके बाद आप लिख देना भाई गोश्त और पोल्ट्री, ताज़ा फल सब्ज़ियाँ, फलों का मुरब्बा। इतना भी अगर आप लिख देंगे बहुत फ़ायदा होगा आपका। डब्बा बंद फल, मसालेदार खुशबू चीज़ें, और हल्काच, खाने का रंग, सत, खुशबू याद, ये सारी चीज़ें आपको जो है तैयार करने के लिए लिख सकते हैं।
अब इसके बाद अगला सवाल होता है हमारा इंतखाब, ज़खीरा बंदी और इस्तेमाल, मतलब इसकी जो है इसके बाद है ये इंतखाब, ज़खीरा बंदी और इस्तेमाल। मस्कूरा वाला अज़ा को उनके रखने की क्वालिटी, ख़राब ना होने की मुद्दत और ज़खीरा बंदी के मतलूबा हरारत के मुताबिक तीन दर्जों में तकसीम किया गया। मतलब ये है कि जो भी हम ज़खीरा बंदी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम जो है कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ख़राब न होने वाली चीज़ें वो चीज़ें जिन्हें कमरे की दर्जा हरारत पर एक महीने या एक महीने से ज़्यादा वक्त के लिए रखा जा सकता है, जैसे आटा, चीनी, नमक, मसाले, कोको, कॉफ़ी पाउडर, रंग और खुशबूयार डब्बा बंद चीज़ें। इन्हें ज़खीरा बंदी में मुनासिब हवा और कतरने वाले चूहे वगैरह और मोहलिक कीड़ों से बचाने की ज़रूरत होती है। मतलब इन्हें हमें ऐसे रखना होता है कि ये चीज़ें जो है ख़राब भी ना, और जो चूहे वगैरह हैं और कीड़े वगैरह उनसे बचे रहें। ये वो चीज़ें थी जो हमने पढ़ी हैं कि ख़राब ना होने वाली चीज़। अब दूसरा है, दूसरा जो पॉइंट है वो है ख़राब होने वाली चीज़ें वो चीज़ें जिन्हें मुनासिब दर्जे हरारत पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक रखा जा सकता है, है ना। ज़्यादा ज़्यादा मुनासिब दर्जे हरारत का मतलब है फ्रिज वगैरह में ना, जैसे दूध है, मलाई है, ताज़ा फल है, सब्ज़ियाँ हैं, मुर्गी अंडे हैं, गोश्त की बनी हुई चीज़ें, इन्हें 2 दिन से ज़्यादा आप अगर रखें तो ये सड़ने लगते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि थोड़ी देर में ख़राब होने वाली चीज़ें वो चीज़ें हैं जो ऊपर के दोनों ज़ुमरों में किसी में नहीं आती, यानी इन्हें ज़खीरा करने के लिए मुनासिब दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है। अगर आप इनको जो है रखना चाहते हैं तो इनको एक टेम्परेचर में रखना होगा, मगर इनकी ज़खीरा अंदोजी का वक्त ख़राब होने वाली चीज़ों से ज़्यादा होता है, जैसे मक्खन और दीगर चिकनाई, चॉकलेट, ढक्कन खोलने का डिब्बा, बंद चीज़ें, अंडा वगैरह। अब इसके बाद है सवाल के हिसाब से कि आएँ अब मस्कूरा वाला अशिया के बारे में कुछ और जानें। सबसे पहले हम आटे के बारे में जानते हैं, आटे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आटा क्या है। आटा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ व तरकीब है जिसके बगैर किसी बेकरी या कॉन्फिशेंसरी जिसमें जो है बेकरी या कन्फेक्शनरी इकाई में तैयार करना मुमकिन नहीं। यानी आटा जो है एक बुनियादी चीज़ है, ये गेहूं को पीसकर बनता है। दुकानों पर मुख्तलिफ किस्म का आटा मिलता है, आप जिस किस्म की बेकरी कर रहे हैं उसके मुताबिक सही किस्म का आटा चुनने से बेहतर मुतवक्को नतायज मिलने यकीनी होगा। अगर आप जो है कुछ अलग चीज़ें बनाते हैं, पापे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, वो चीज़ें लेनी होगी। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आटे के को मुनासिब तरह से समझने के लिए गेहूं के दानों के अंदरूनी साख्त के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। चलिए गेहूं का जो दाना होता है उसके बारे में हम आज तफसील से पढ़ते हैं। ये गेहूं का दाना है तो इसके बारे में है, ये चोकर है, अंदरूनी बीज है और फूटा हुआ बीज यानी समंग। तो यहाँ पे इसके बारे में है कि पिसते वक्त चोकर और अंकुर यानी जम दोनों को हटा दिया जाता है। चोकर के कोने निकले होते हैं जिससे पाउडर रोटी में खमीरा उठाने वाले हुलिये की साख कट सकते हैं और नतीजे में डबल रोटी के हजम पर बुरा असर पड़ सकता है। अंकुर में तेल ज़्यादा होता है जिससे आटे को ज़्यादा देर तक रखने की खासियत पर असर पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों चीज़ों को क्या होता है, हटा दिया जाता है, एक तो चोकर को और एक अंकुर को, इन दोनों को हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है ख़राब हो सकता है आटा। इसके बाद है आटे की किस्में। सवाल आ सकता है आटे की कितनी किस्में होती हैं, तो आप बता देंगे भाई। दीगर आटा भूरा ब्राउन आटा, गेहूं का आटा है पहला, सफ़ेद आटा, मैदा, खमीरा मिला हुआ आटा, ठोस खालिस आटा और नर्म यानी हल्का आटा। तो जो गेहूं का आटा होता है इसमें गेहूं दाने के सभी हिस्से यानी चकोर, अंदरूनी बीज, बजर के साथ सफ़ेद बंदी अंगूर होते हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें होती हैं। और जो भूरा आटा होता है चकोर का मोटा हिस्सा निकाल दिया जाता है, सफ़ेद आटा जो होता है चकोर अंगूर के बेशतर हिस्से निकाल दिया जाता है, इसमें ख़ासतौर पर अंदरूनी बीज होता है। देर से खमीरा हुआ आटा इस इस्तेमाल में गेहूँ की किस्म या पीसने के तरीके से इस आटे में प्रोटीन का हिस्सा ज़्यादा होता है।
ठोस यानी खालिस आटा, इस किस्म के गेहूँ में इसम या पीसने के तरीके से आटे में प्रोटीन का हिस्सा ज़्यादा होता है, और नरम हल्का में सफ़ेद मगज स्टार्च ज़्यादा और प्रोटीन कम होता है। इसके बाद है गेहूँ का आटा चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इससे किराने की दुकान से ख़रीदा जाता है, किराने की दुकान से आप खरीद सकते हैं। और इसके बारे में और क्या है गेहूँ के बारे में, एक चीज़ और है भूरे ब्राउन डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्राउन रोटी आजकल बहुत लोग खाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और तीनों को मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। और जो ये है, और जो ब्राउन है, ब्राउन आटा जो है, आटे की दुकानों से ख़रीदा जा सकता है, और ब्राउन आटे भी डबल रोटी बनती है। और सफ़ेद आटा जो है मैदा आने की आटे की दुकानों से ख़रीदा जा सकता है, ठीक है। और जो खमीरा मिला हुआ आटा है ठोस ख़ास स्टोर पे मिलता है, ये मखसूस स्टोर पे मिलता है ठोस भी, और नरम जो है ये मखसूस फूड स्टोर में मिलता है। इसके बाद है इसी में एक किस्म और है इसकी, वो ये है कि भूरी डबल रोटी बनाने में होता है इसका, तो आपको मैं दिखा देता हूँ किसका किस्म होता है, लिस्ट है पूरी आप देख लीजिएगा, ठीक है, किसका किसमें इस्तेमाल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की तरफ आ जाते हैं। खाली जगह पुर कीजिए, ठीक है, तो आपको खाली जगह भरनी है कि मुकम्मल गिजाई आटे में होता है। अब यहाँ पे देखिए सवाल दे रखा है, इसको आपको भरना है, ठीक है, क्या इसका जवाब कहाँ होगा, जवाब मैं दिखाता हूँ। देखिए सभी सवालों के जवाब भी हैं, आप इनको घबराए नहीं कि भाई कहाँ पे क्या है, सवालों के जवाब आखिर में मिलेंगे आपको, है ना, सवालों के जवाब जो है आखिर में आपको, में जो सवाल आते हैं इन्हें भरते हैं कि जो है। पहला सवाल जैसे इन्होंने ये पूछा है कि मुकम्मल गिजाई आटे में और होता है क्या चीज़ होती है, अभी हमने पढ़ा था ना चोकर, तो आप मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको ताकि आप समझ जाए, पहले में आएगा पहले वाली खाली जगह में चोकर यानी इसमें, और क्या होता है साथ में अंकुर, यहाँ पे लिख देंगे पहले वाले में, दूसरे में लिखेंगे अंकुर, ठीक है भाई, अंकुर ये वाली खाली जगह पर ये दोनों भर दिएगा। इसके बाद अगला है दूसरे में भूरा और ब्राउन आटा डेश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी क्या बनाया जाता है, मैंने इससे आपको बताया था कि इससे जो है डबल रोटी बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है हमारी डबल रोटी, तो आप ये बात इसके अंदर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद अगला है कि तीसरी खाली जगह में डेज बेकरी में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के दूध होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दूध मतलब तो दूध ये बताने, एक होता है रकीक दूध, रकीक मतलब जो हम पीते हैं रकीक, या रकीक लिख दिया खाली, या रकीक दूध लिख दिएगा पूरा रकीक दूध, और दूसरा होता है पाउडर दूध, यानी पाउडर दूध, ठीक है, बस ये दो लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं, मंदा ज़ेल मुकाम अशिया के जल्द ख़राब होने वाली और थोड़ी देर में ख़राब होने वाली में दर्जा बंदी कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दर्जा बंदी करनी है कि कौन सा किसका है और कौन सा किसका नहीं है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, दर्जा बंदी करनी है कि भाई अंडा जो है वो क्या है, जल्दी ख़राब हो जाता है, दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा, है ना, गाढ़ा दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, और जल्दी ख़राब होने में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मक्खन है ये भी हो जाता है, ताज़ा सब्ज़ियाँ ये भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, है ना। और इसके बाद आपको करना है अब जो है देर से ख़राब होने वाली, तो देर से तेल ख़राब होता है ना,
काजू, कोक पाउडर, डब्बाबंद शीरा देर से ख़राब होते हैं, और सुनहरे रंग का शीरा, संतरे के ये अब। और इसके बाद आएगा कि भाई जो मीडियम है जिनको उसमें रखना पड़ता है, मतलब नॉर्मल मलाई है, अमीरा है, जम है, मक्खन है, तो तीन लिस्ट बना लेना, तीनों को अलग अलग कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अमीरा देखिए अब शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अमीरा के बारे में, अमीरा जो है वो पौधों की जड़ की एक जिल्द उजू है। इसके हयातियाती नाम सैक्रोमाइस सेरोबीसा है। सही हालत में खमीरा मुनकसिम होकर बढ़ता जाता है। इसके सबब खमीरा बेकिंग के लिए फ़ायदेमंद है, यानी खिंचाव होता है। अंडे के लोंदे में खमीरे खमीर उठाने और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने और उसे बढ़ाने के लिए हवा, नमी, ग्रामाहेड और गजाए चीनी की शक्ल में ज़रूरत होती है। खमीरा ताज़ा सूखा दोनों शक्ल में मिलता है। इन शक्लों में फ़र्क करें। देखिए ताज़ा खमीरा और सूखा खमीरा के बारे में आ सकता है। ताज़ा बेकरी और दीगर खसूसी दुकानों में मिलता है। ताज़ा गज़ा और रसीद की दुकानों में मिलता है सूखा। और चिकने कागज़ में बंधा आटा किलो के पैकेट में मिलता है ताज़ा खमीरा। ये दानेदार होता है सूखा खमीरा। इसका रंग ताज़ा खमीर से ज़रा गाढ़ा होता है। इसका रंग हल्का पीला मटियेला सा होता है। ये सख्त मगर बुरबुरा और इसकी महक खुशबूदार और फूलों जैसी होती है। ये दानेदार होता है। इसका रंग ताज़ा खमीर से ज़रा गाढ़ा होता है। ये सारी बातें खमीरा उठाने की कीमियाई चीज़ें, मतलब खमीर को उठाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पाउडर, ठीक है, सोडियम, ये सारी चीज़ें, हवा, नमी, गर्मी, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं इसको उठाने के लिए। अमीनो कार्बो बॉइंट, ये भी नमी और हवा और गर्मी से कार्बोहाइड्रेट पैदा करता है, मगर इसके साथ साथ अमीनो गैस भी बनाता है। मीठा सोडा, इसे आम तौर पर तजारती बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी कीमत कम होती है और इसमें सोडियम हाई कार्बोनेट होते हैं। इसके बाद जो है नमक, नमक के बारे में है। नमक क्या है, इसमें कीमियाई नाम सोडियम ज़्यादा होते हैं और इसमें 40% सोडियम और 60% क्लोरीन होता है, सवाल के हिसाब से आ सकता है। इसके बाद आप आ जाए कॉर्न फ्लोर, मकई का आटा, कॉर्न फ्लोर मकई के आटे के बारे में। ये ख़ास तौर से मक्का से बना होता है। ये सफ़ेद होता है, इसमें काफ़ी सफ़ेद नशास्ता होता है। इसके बाद है दूध। दूध ये नमी पैदा करने में एजेंट यानी आमिला है। इसमें 87% पानी होता है। इस्तेमाल की मकदार या पूरी चिकनाई के साथ या चिकनाई ना होने के मुताबिक एक मकवी एजेंट आमिल होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम मलाई, मलाई का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चिकनाई की मुख्तलिफ अकसाम है। चिकनाई मक्खन से बनती है, माजरीन से बनती है, बना पस्ती घी से बनती है, रिफाइंड तेल से चिकनाई आती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अंडे, अंडे भी ज़रूरी होते हैं बेकिंग के लिए। अंडे उसको गिरने से बचाते हैं, ठीक है, उसको मजबूती से पकड़े रखते हैं। एक औसत अंडे का वज़न 40 से 50 ग्राम होता है। ताज़ा अंडे पानी में डूब जाते हैं जबकि गंदा अंडा पानी में तैरता है। अंडे की जर्दी सख्त होनी चाहिए। अंडे की फ्रिज में 1-2 हफ्ते तक रखा जा सकता है। चीनी, शक्कर, दानेदार चीनी आमतौर पर महीनदार चीनी, पिसी हुई चीनी यानी बूरा, ये सारी चीनी की किस्में हैं। कोक चॉकलेट ये पढ़ लिया हमने, कॉफ़ी, गिरमिया मेवा, ये सब चीज़ों की हमें, गोश्त और मुर्ग वगैरह, ये इन सब चीज़ों की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ में बनाने के लिए। अब इसके बाद है 10 सवालों के जवाब देने, सही पे सही, सही का निशान लगाएं। तो 1.2 का, ठीक है, तो सही पे सही लगाएंगे। पहला है ताज़ा सूखी खमीर बेहतर चीज़ बनाती है। तो ताज़ा खमीर जो होती है वो क्या बनाती है, बेहतर खमीर बनाती है। तो इसमें बनाना है कि कौन सा बेहतर खमीर बनाती है, ताज़ा या सूखी, तो इसका जवाब है ताज़ा। इसके बाद है बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा चॉकलेट केक के लिए मुनासिब होता है, तो बेकिंग पाउडर जो है वो मुनासिब होता है। इसके बाद तीसरा है ताज़ा या गंदा अंडा पानी में तैरता है, तो जो गंदा अंडा होता है वो पानी में तैरता है।
इसके बाद है अगला यानी चौथा है महीन दंदाने दार चीनी गैर मनसफा खाम चीनी, तो इसका जवाब है भूरी और ब्राउन। ठीक है, तो ये गलत है। पांचवा है, इसके अंदर ही जो पांचवा है कि कोक पाउडर या चॉकलेट में चिकनाई और कमी होती है, तो कोक पाउडर है इसका जवाब। आगे चलते हैं, आप खाली जगह को पूर कीजिए, खाली जगह भरनी है आपको। तो खाली जगह के अंदर किस तरह हम भरेंगे, इसके बाद है भाई खाली जगह पूर करो। खाली जगह पूर करने के लिए सवाल है, पहला है सूखा दूध पाउडर बेकरी सनत में बहुत मकबूल है क्योंकि इसमें क्या जा सकता है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसका जवाब है इसमें सूखी शक्ल में, यानी इसको जो है सूखी शक्ल में किया जा सकता है। इसके बाद है अगला, इसी का है नमक से चीज़ में आ जाता है, नमक जो होता है, सॉरी दूसरा है, ये वाला नहीं है। खमीर की रंग में हमें पता चलता है कि ये ताज़ा है या सूखी, ताज़े है या सूखी है। ठीक है, नमक से चीज़ में आ जाती है, क्या आ जाती है नमक से चीज़ में, महक, महक आ जाती है। इसके बाद अगला है पांचवा, अंडे केक की हुई चीज़ से चीज़ का डिश बनता है। पांचवा है, सॉरी चौथा, पहले बताना, मिठाई में कॉर्न फ्लोर अमूमन डिश जिन्स के इस्तेमाल में किया जाता है, किसके इस्तेमाल में किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है गाढ़ा करने के लिए, गाढ़ा करने वाले। इसके बाद अगला है पांचवा, अंडा केक की हुई चीज़ों से बनता है। पांचवे का है ढांचा, क्योंकि मजबूत होता है अंडा और इससे ही उसका स्ट्रक्चर बनता है। छठा है देश चीनी की सबसे ज़्यादा रिफाइंड शक्ल है, कौन सी जो है सबसे ज़्यादा उसकी जो है रिफाइंड शक्ल है, उसकी रिफाइंड शक्ल है भूरा, और इससे केक की डिश करने वाले आइसिंग होती है ना केक की करने वाले, और इस पर बरकने के लिए इस्तेमाल होता है। तो तीन खाली जगह नहीं, पहले में भूरा और दूसरे में आइसिंग, तीसरे में बरकने। ठीक है, इसके बाद जो है आगे क्या है भाई, अब यहाँ पे ऊपर देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। बेकरी में मतलूबा साजो सामान, बेकरी अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो उसमें किस किस तरह के साजो सामान की ज़रूरत होती है, बस आप ये नाम लिख लीजिए, बेकरी में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आपने देखा है बेकरी में उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, कद्दू का डबल रोटी के साँचे, ठीक है, डाई यानी धात का पटरा, केक का साँचा, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। और ये भी है, इनका भी नाम लिखा, आइसक्रीम कैफकीरा बेलन और बोर्ड, ठीक है, पेस्ट्री डील, और क्या है इसके अंदर, फेन बिल्डिंग का ढांचा, खमीरी आटा बनाने वाले, गोल मिठाई का साँचा, बादाम वगैरह काटने का सरोता, ये सारी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे जो है इसमें कई हिस्सों में बांट दिए। इसके बाद है भाई हल्के औजार, ये सारे हल्के औजार हैं, नाम लिख लीजिएगा, कैंची है, चिन्नी है, ये सब छन्नी वगैरह, तो ये सारे चमचे हैं, बेलन हैं, ठीक है, सॉस पैन है, कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें, बिस्किट, ये सारे इनमें खुशकार, ये सारी चीज़ें। भारी औजार में ओवन आ गया, ओवन सबसे पहले, गैस ओवन, भट्टी ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन, आजकल इलेक्ट्रिक चल रहा है, आटा गूंदने का मिक्सर, डीप फ्रीज़र, काम करने की मेज़ें, नेमत खाना यानी किचन, गैस प्रेशर, चीज़ों का इंतखाब मतलूबा रख रखाव, ओवन की जगह,
ठीक है, ओवन कहाँ रखना है, ब्राउनिंग रूम जहाँ पे वो ब्राउनिंग रूम जहाँ पे उसको दर्जा हरारत मिलेगी, फ्रिज चाहिए आपको, बेकरी का साइज़, बेकरी के वो खामात, गहरे डीप फ्रीज़र भी चाहिए होगा आपको, ठीक है, रखने के लिए, लुई मिक्सर, काम करने की मेज़ जिस पे कटिंग करेंगे, नेमत खाना होना चाहिए, गैस बर्नर होना चाहिए। अब इसके बाद जो है सवाल आ जाता है कि पहला सवाल है कोक पाउडर और चॉकलेट में क्या फ़र्क है, कोक पाउडर में और चॉकलेट में जो है फ़र्क बताना है, पहला सवाल है। तो इसके अंदर भाई देखो, कोक पाउडर और चॉकलेट, कोक पाउडर होता है अलग और चॉकलेट अलग होती है। दूसरा है कि आप अंडे की ताजगी की जांच कैसे करेंगे, पानी की छलनी में डालने से अंडा अगर तैरता है, अगर अंडा अगर ताज़ा है तो ये डूब जाएगा और अगर गंदा है तो तैरेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये दूसरा भी हो गया आपका। तीसरा है मीठे सोडे और अमोनिया कार्बन बेकिंग पाउडर क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे अच्छा बनता है खाना और आप उसमें पीछे से देख सकते हैं। इसके बाद चौथा है सही जवाब पर सही का निशान लगाएं, सही जवाब पे आपको जो है सही का क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो इसका जवाब भी मैं आपको जो है यहीं से बता देता हूँ क्या है। ओवन ख़रीदते वक्त काबिले तवज्जो सबसे अहम दर्जे, हरारत का वसीला और कैंटिंग अलमारी में हरारत की सप्लाई या हरारत हेलमेट की तादाद, ठीक है। तो आपको जब भी चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपको क्या देखना है, हरारत का वसीला देखना है कहाँ से। क्लोरिंग रूम की दर्जे हरारत जेल के लिए की जाती है, तो इसका जवाब, तीन सवाल है इसमें, तीन पॉइंट है और तीन में से कोई एक इसका जवाब है। तो इसका जवाब है कि भाई किस लिए इस्तेमाल होती है, बिस्किट डबल रोटी बनाने में, बिस्किट सॉरी तीन हो गए ना, तो इसका जवाब है डबल रोटी बनाने में। इसके बाद आगे चलते हैं हम, अगला सवाल है इसी का, चौथे का सी के, बेकरी का जो काम है वो, तो बेकरी में काम करने के लिए मेज़ों की सतह मुंदरज ज़ैल चीज़ों की होनी चाहिए, लकड़ी की। इसके बाद भाई अगला सवाल है, एक जो है छोटी बेकरी मुंदरजा ज़ैल गैस बर्नर की ज़रूरत होती है, मुनासिब दबाव वाले गैस बर्नर। इसके बाद आगे चलते हैं, मुझे सवालों के आपको जवाब देने और ये सवाल क्या हैं। ये तो खैर इसी में से आप देखेंगे, तो सवालों के जवाब हैं बस। तो ये वाला पहला चैप्टर मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा, अब जो अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर क्या है, कैसे करना है देख, तो अब हम पढ़ेंगे बिस्किट के बारे में सारी चीज़ें, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें वो देखते हैं। बिस्कुट की दर्जाबंदी, बिस्किट कितने प्रकार के होते हैं, क्या किस्में हैं इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें, तो मैं आप जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा ताकि आपका टाइम बचे। पेस्ट्री क्रीम मिली हुई, अंडे की सफ़ेदी आमेजा, ठीक है, और फेंटे हुए अंडे की लुई, शहद और दीगर चाशनियों से भरपूर लुई, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पेस्ट्री की लुई से बिस्किट, ठीक है, पेस्ट्री की लुई से भी बिस्किट बने होते हैं, शॉर्ट क्रिस्ट लुई से भी बने हुए होते हैं, ठीक है, ये बिस्किट होते हैं सारे। इसके बाद है आगे जैम टॉट, ठीक है, जैम टार्ट जो है सामान, आटा चाहिए, माजरन चाहिए, किस्टर चैनी चाहिए, ब्राई के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। तरीका क्या है बिस्किट बनाने का, इसको एक को पढ़ लेते हैं, बाकी सारे जो है इसी तरह से होंगे बिस्किट के बारे में। देखिए, आटा और बेकिंग पाउडर को थाली यानी ट्रे में छान लें, ठीक है, पेपलेट चाकू से मार्जिन के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे उंगलियों के साथ हल्के मिलाएँ जब तक डबल रोटी के टुकड़े जैसा ना दिखने लगे। इसमें कैस्टर चीनी डालें और हल्के हल्के मिलाएं। एक बार बर्फ़ सा ठंडा पानी छिड़कें और लुई के बगैर
नरम बनाएं, चिकनाई को पिघलने से बचाने के लिए इसे ठंडी जगह पर रखें। संगमरमर की साफ सतह पर आटा छिड़कने और लोई के हल्के बिस्किट वगैरह करें। वह इतना आप जो है काफ़ी है। मूई बिस्किट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये रही, ठीक है। आपको जो है सामान आटा आइसक्रीम ज़्यादातर चीज़ों में वही सेम चीज़ें चाहिए, तो आप वही सेम चीज़ें लिख देंगे। इसके बाद तरीका इसका भी लिखा हुआ है, ठीक है। तरीका आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना चाहते हैं। अब इसमें सही या गलत पे आपको जो है वो लगाने हैं जवाब के। मेरा सवाल है कि बेकरी पेस्ट्री लोई बिस्किटों के लिए पेस्ट्री लोई की अच्छी तरह गूंदना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद है बिस्किट बनाने के लिए ठंडी जगह ज़्यादा मुनासिब है, बिल्कुल सही है, ठंडी जगह पे बनाए जाते हैं। तीसरा है कि बेलने से पहले लोई को ठंडा करने से बिस्किटों की बनावट ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बिल्कुल गलत है, ठंडे हो जाएंगे तो आड़े तेड़ हो जाएंगे। अज्जा को बांधने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाए करना चाहिए ताकि बांधना आसान हो जाए, बिल्कुल सही है ये भी, ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, सॉरी ये भी राइट है और बस एक रॉन्ग है। इसके बाद आगे चलते हैं क्रीम लुई वाले बिस्किट, ठीक है। क्रीम वाले बिस्किट आपने खाए होंगे, इसमें जो है आटा क्या क्या चाहिए, आटा, मार्जन और आइसनिंग, चीनी, अंडा, बेकिंग पाउडर, ग्लिसरी, ये सब चीज़ें हमें इसमें चाहिए। तरीका दे रखा है इसमें वही, काम चीनी चाहिए, अंडा चाहिए, आटा चाहिए, संगमरमर के कोक बिस्किट बनाने के लिए कितनी दर्जा हरारत पे रखना है, 160 से 15 से 20 मिनट रखना है। यहाँ पे जो है इसको रंग भी दिखाया किस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में आके तैयार हो जाता है। इसके बाद है अगला के अंडे की सफ़ेद आमेजा से बने बिस्किट, ये भी अच्छे बिस्किट होते हैं, चबाने में मज़ा शामिल होता है इसमें, ये भी अच्छे बिस्किट लगते हैं। काबिले तवज्जो बात है, अंडे की सफ़ेदी की जर्दी से होशियारी से अलग करना बहुत अहम है ताकि ज़रा सी भी जर्दी सफ़ेदी में ना रहे। जर्दी में चिकनाई होती है जो सफ़ेदी को पूरे ऊपर उठाने में रुकावट डाल सकती है, इसी वजह से उससे अलग करना। मूँगफली मैक्रोन, मूँगफली के भी होते हैं बिस्किट, तरीक़ाकार दे रखा है। अब मतन पर मबनी जुमले हैं, इनको आप देखें। एक जुमले में हमें जवाब देना है, क्रीम क्रेमिंग मिलाना किसे कहते हैं, क्रेमिंग यानी मिलाना जो है वो किसे कहते हैं, उसके बारे में सवाल है। तो क्रीमिंग यानी मिलाना किसे कहते हैं, तो चीनी और मक्खन को आटे को फटने का अमल ताकि उसमें हवा मिल जाए, ठीक है, तो इसको मिलाना कहते हैं। आप भटकेदार आमेजे को कैसे ठीक करेंगे, जो भटकेदार आमेजा है उसको कैसे ठीक, आमेजे पे महलूल को बांधने के लिए आटा डालें, ठीक है, आटा डाल दें। क्या आमेजा फटने भटकेदार होने से बिस्किट की क्वालिटी पर असर पड़ता है, नहीं कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही रहता। इसके बाद है मंदरजा ज़ेल का मंदरजा, बताएंगे मंदरजा ज़ेल मकोला सही है या गलत, इसमें बताना है। फटते वक्त चिकनाई होने से अंडे की सफ़ेदी फूलती नहीं, तो इसका जवाब पहले का है, सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, आप सही लिख भी दीजिएगा। अंडे की सफ़ेदी के आमेजे से बने बिस्किट साख्त में छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। गिरिया जब बिस्किट के आमेजे में डाली जाती हैं तो आमतौर पर उन्हें अच्छी तरह पीसा जाता है, बिल्कुल सही है, तीनों राइट हैं। इसके बाद आगे भाई फेटने वाले अंडे की लुई से बने बिस्किट, ठीक है, सिर्फ अंडे से बने बिस्किट होते हैं जैसे केक रस वगैरह जिसे आप कहते हैं, ठीक है। संतरा बिस्किट, ठीक है, केक रस के बारे में आ सकता है, केक रस के समान। चाशनी और शहद की लुई से बने बिस्किट, ठीक है, बेहतर बिस्किट बनाने की हिदायत, चॉकलेट कोकी सामान, चाशनी, नरम भूरी चीनी और ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तरीक़ाकार यहाँ पे लिखा हुआ है, मतन पर मबनी सवाल आते हैं अब आपके। तो पहला सवाल है,
बिस्किट बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ चाशनियों के नाम बताएं। देखिए सबसे पहले आपको चाहिए शहद, ठीक है, और राब और शीरा, ये सब चीज़ें हमें जो है बिस्किट बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद है दूसरा इसी का कि बिस्किट बनाते वक्त चाशनियाँ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, मिठास के लिए, मज़ीद मिठास के लिए, आप यहाँ पे लिख देंगे मज़ीद मिठास के लिए, मिठास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हल्के भूरे रंग मखसूस महक के लिए। बिस्किटों में मुश्तमिल खुशबू वाली चीज़ें और मसालों के नाम बताएं। तो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें उसके नाम ये हैं, अदरक, जायफल, और दारचीनी, और इलायची वगैरह। इसके बाद चौथा है, खाली जगह को भरिए। बिस्किट की एक अहम चीज़ है, किसकी अहम चीज़ है, नाश्ते की, नाश्ते में अच्छी रहती है। अब इसके बाद अगला है, हम बिस्कुटों की डेश और डेश बुनियादी तौर पर दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे खाम सामान और इसमें लिख देंगे तरीका। इसके बाद है क्रीमिंग का मतलब डेश और डेश को इकट्ठा फटना है। इसका फटना है भाई चिकनाई और चीनी का, चिकनाई और चीनी। इसके बाद है अगला पांचवा, मैक्रोन का होता है, मैक्रोन है उसका क्या होता है भाई, हल्का, मैक्रोन जो है वो हल्का होता है। इसके बाद छठा है अंडे की सफ़ेदी को सही तौर से फेंटने के लिए उसका डेश का डेश होता है, यानी सफ़ेद का जो है जर्दी से अलग करना होता है। यहाँ पर आप लिख देंगे पहली वाली में इसमें सफ़ेद और इसमें लिख देंगे जर्दी, ठीक है। तो ये सारा आप कर देंगे, इसके बाद सही गलत है। अब है थर्ड चैप्टर, तीसरा सबक है केक से रिलेटेड, केक के बारे में बताना है केक क्या है, ठीक है। तो इसमें मेन मेन चीज़ें पढ़ेंगे डायरेक्ट ताकि आपका वक्त कम से कम बचे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं बग़ैर आइसिंग के केक, ठीक है। तो ये है इन केकों को तरतीब व तरकीब बड़ी ज़ोरदार होती है, यानी इसमें चिकनाई या मक्खन का फीसद ज़्यादा होता है। इसमें मेवा फल वगैरह भी होते हैं, इस पर आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें ऐसे भी खाया जा सकता है या जैम, पूरा चीनी, खुश्क नारियल वगैरह चीज़ों से भी सजाया जा सकता है। इन केकों को बड़ी चाय पार्टी या अलग से नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है, आम तौर पर खाने के बाद मिठाई की शक्ल में खाया जाता है। और इसमें आइस केकिंग में कौन कौन से केक आते हैं वो देखते हैं। तो इसमें ये जो है पांच तरह के केक आते हैं, मंदेदा केक जैसे मक्खन, स्पंज, ठीक है, कैरीमल केक, मैडुरा केक, विक्टोरिया स्पंज, सोस रोल, ये सारे के सारे जो है केक की दर्जाबंदी में आते हैं। इसके बाद अब आगे आइसिंग वाले केक, मैंने आपको बता दिया ना सजा बग़ैर चिकनाई वाले स्पंज या चेंज होते हैं, ये बहुत हल्के बनावट में फूला हुआ होता है, अक्सर आपने देखा होगा ये मिलता है स्पंज टाइप केक होता है, ठीक है। इसमें स्पंज वाले में भी जो है कितने तरह के आते हैं, तीन चार तरह के आते हैं। पहले क्रीम और फलों वाले केक जैसा अनन्नास केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट टर्फिलर केक और ये रिसायर केक। इसके बाद जो है इसमें ये है केक बनाने का तरीका, सवाल आ सकता है कि भाई केक बनाने का तरीका बताएं। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है कैसे केक बना सकते हैं। केक बनाने का
आम तरीके, ये मेन्यू में इस्तेमाल की गई अशिया के मुताबिक अलग अलग होता है। आटे के मुकाबले चिकनाई, चीनी और अंडों की मकदार और उन्हें मिलाने के तरीके से तैयार प्रोडक्ट पर असर पड़ते हैं। केक तैयार करने के लिए चार बुनियादी तरीके हैं जो दर्ज हुए हैं। मिलाने का यानी रबिंग इन तरीका, और क्रीमिंग तरीका, फेंटने का तरीका, और मिला जुला यानी ऑल इन वन तरीका। तो सारे तरीके हम देखेंगे इसमें केक बनाने के। चलिए, तो सबसे पहले मिलने का यानी रबिंग इन तरीका। रबिंग इन तरीके के अंदर क्या है, इसमें चिकनाई फेट को पहले चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसके लिए पहले चिकनाई का बहुत ठंडा कर लेना चाहिए। आटे को छानने के बाद एक थाली में डाल लिया जाता है, फिर रोगन को आटे में डालकर उंगलियों से तब तक मिलाया जाता है तब तक सारा रोगन आटे में ना मिल जाए। तब हमेशा डबल रोटी के टुकड़े जैसा दिखाई देता है। ये तरीका वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ रोगन की मकदार आटे से ज़्यादा नहीं, जैसे 200 ग्राम या जायद आटे में 100 ग्राम रोगन। क्रीमिंग तरीका देख लें। क्रीमिंग तरीके में क्या होता है, इसमें ठंडा, इस तरीके में रोगन को ठंडा नहीं करना चाहिए बल्कि नर्म करके होना चाहिए। रोगन को पहले ताम चीनी के कटोरे में डाला जाए और लकड़ी के चम्मच से मिलाया जाए, फिर थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी चाहिए और आमेजे की सारी चीनी इस्तेमाल करने तक मिलाया जाए। इससे आमेजा ये तरीका रोगन आटे के मसावी मकदार में होता है। इसके बाद जो है अगला है फेंटने का, फेंटने का तरीका। तो इसके बाद जो अंडों को तोड़कर साफ कटोरे में डाला जाए। अंडों में चीनी और खुशबू सत डाल जाते हैं, फिर आमेजे को फेंट कर गाढ़े झाग बनाए जाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है, फिर उसमें आटा मिलाकर आमेजा बनाया जाता है और उसे फौरन बेक कर लेना चाहिए वरना आमेजा बैठ जाएगा। मिला जुला यानी ऑल इन वन तरीका क्या है, ऑल इन वन तरीके को भी पढ़ लेते हैं। सारी चीज़ों को कटोरे में डालकर तब तक फेंटा जाता है जब तक आमेजा यकसा क्रीम जैसा ना, मतलब पूरे में क्रीमी क्रीम ना। ये तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको जल्दी केक को जल्दी चाहिए। अब इसमें जो एहतियात हैं केक बनाते टाइम आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, पहली ये है कि ये जांच लें कि सारा साजो सामान है या नहीं, दूसरा नाप तोल कर लें, तीसरा नुस्खे के हिसाब से चलें, चौथा चीनी वगैरह रोगन को नरम होने के बाद फेंटें, अंडा और रोगन कमरे की दर्जा हरारत पर रखें। मिला जुला तरीका इस्तेमाल करते हुए सारे कमरे की दर्जा हरारत के मुताबिक, ठीक है। और जो भी चीज़ लिखी हुई है सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे है बेकिंग के लिए डिब्बे तैयार करना, ये थोड़ा सा ऐसे ही है, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक गोल या चकोर डब्बे पर कागज़ लगाना। जब भी आप जो है केक वगैरह देखते हैं तो गोल होता है और चकोर डब्बे पर कागज़ लगाया जाता है, उसके अंदर इसे रखा जाता है। अब इसके बाद फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाती हैं कि खाली जगहों को पूर कीजिए, जैसे केकों और केकों और डेश वाले केक नामी दर्जों में तकसीम किया जाता है। पहला सवाल है कि भाई इसको किस में तकसीम किया जाता है। दूसरा है कि बग़ैर आइसिंग वाले केक उमूमन के वक्त की शक्ल में खाए जाते हैं। मैटर केक को मजबूत और खुशबूदार किया जाता है। मकवी केकों को डब्बे में ही ठंडा होने दिया जाता है ताकि वे नहीं। इन सब के जवाब मैं आपको दिखाता हूँ, एक साथ आप इन सब के जवाब देख लीजिए। पहले का जवाब ये रहा केक बगैर आइसिंग, दूसरा है चाय के वक्त हल्का खाना, दूसरा वाइन और लीमू रस, चौथा है टोटे, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल का जो जवाब है चीनी क्रीमिंग आटा मक्खन चीनी लिपटा हुआ, और इसका जवाब सबक में देखना है। बाकी जो चलिए पीछे का जो हमें वो देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। इसको भरने के बाद है बग़ैर आइसिंग के केक मक्खन वाले, इसका तरीका देख लीजिएगा आप ये पूरा, ठीक है। इसके बाद है ये तरीका लिखा हुआ है कुछ मुतफर्रिक ताल्लुक कैरेमल केक, इसका तरीका देख लीजिएगा आप कैसे हुए हैं।
बनाने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, तेल वगैरह, कैरीमल केक का तरीका यहाँ पे दे रखा है, जो मेन मेन है वो पढ़ के बता दूँगा आप। इसके बाद जो है ये वाले केक के, ठीक है, विक्टोरिया केक, दीगर किस्म के केक के मुकाबले इसे बहुत बनाना बहुत आसान है। इस केक में आटा, मक्खन, चीनी हम वजन है, आमतौर पर इस केक में जैम और पूरा चीनी भरा होता है। इस तरीके का बहुत आसान है, इसमें मिला जुला तरीका कहा जाता है, आटा, मार्जन, नमक वगैरह। इसके बाद जो है अब जो कोई चीज़ है उसके बारे में, पेस्ट्री, पेस्ट्री तो खैर नहीं है, रंग की खराबियाँ, बस अब यहाँ पे जो है सवाल है, इसको मैंने जवाब आपको पहले ही बता दिया, मक्खन, विक्टोरिया केक। आखिर में अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से इसका जवाब देख सकते हैं। सजावट वाले केक क्या होते हैं, ठीक है, सजावट वाले केक जो होते हैं उनके बारे में, सजावट वाले सभी केक को बुनियाद बग़ैर रोगन, ठीक है, स्पंज वाले केक हैं। ये स्पंज केक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढांचे और साइज़ के केक के डब्बे में सेका जाता है, फिर मतलूबा स्पिन के मुताबिक मिले तरी क्रीम और फल वाला केक, ठीक है, ब्लैक फास्ट केक, चॉकलेट ट्रफल केक, मक्खन आस्किंग केक, और रॉयल स्कैनिंग केक, ब्लर ओवन स्केक। अब इनको बनाने के तरीके यहाँ दे रखे, ठीक है। अब इसके बाद जो है मतन पर मबनी सवाल आते, सजावट वाले केकों की फहरिस्त बनाए, बग़ैर रोगन स्पंज केक बनाने का तरीका बताएं, बग़ैर रोगन चॉकलेट के तरीके बताएं, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है सवाल हैं, और मतन पर मबनी सवाल है के जवाब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ऊपर फिलिंदा ब्लेंस वगैरह आए थे उसके सवाल आपके जो है वहाँ पे। तो ये सबक था हमारा केक से रिलेटेड, जिसमें हमने केक बनाने का तरीका सीखा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए आइसिंग, ठीक है। आज सबक नंबर 4 है आइसिंग। तो सबसे पहले इसके जो है हम तारुफ़ के बगैर हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या सीख। इसमें है कि आपको किसकी ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें करेंगे क्या हम। इसमें जब आप केक को सजाना चाहते हैं, आइसिंग में आएगा सजाना, तो जब आप केक को सजाना चाहते हैं तो आपको इस अमल के लिए खुसूसी तौर पर मौजूद बास औजार और साजो सामान चाहिए। सबसे पहले आपको सजाने के लिए केक को चिकनाई की ज़रूरत है, ठीक है। चिकनाई यानी ग्लेस प्रूफ कागज़ केक की बुनियाद पर कतार बनाने के लिए, मतलब उसको नीचे रखने के लिए। उसके बाद है आपको मोटे कपड़े या नायलॉन की पैकिंग थैली चाहिए, कैंची चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की टोटियाँ, ठीक है, और आधे से 2.5 इंच तक के मुख्तलिफ़ साइज़ के ब्रश, प्लेट, चाकू और बेलन, फूल कटोरियाँ, केक स्टैंड, ठीक है, और आपको चाहिए केक कंघी, केक सजावट जैसे रिबिन, मोती, फूल, ठीक है, और ना खाने वाले भी सब। इसके बाद है बुनियादी अमल, जैसा कि आपसे पहले कहा गया है कि केक पर आइसिंग करना एक फ़न है, जिसे अब तख्लीकी कुव्वत से ज़्यादा हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आए हम एक केक पर आइसिंग करने के बुनियादी अमल को समझ लें, ठीक है। 4 मरहलों में तकसीम किया गया आइसिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसका यही है
सबसे पहले पहला पॉइंट केक की बुनियाद तैयार करना आप लिखेंगे, और इसमें से थोड़ा सा ये लिख देंगे कि केक को मज़बूत बनाए मज़बूत बुनियाद पर रखना बहुत अहम है, ताकि उस सजावट के दौरान उसके बाद भी संभालना आसान हो। बस इतनी बात बहुत ही आगे है। केक में भराई करना, केक की किस्म के मुताबिक केक के अंदर भराई करना है, जैसे अनन्नास सजावट वाले केक में अनन्नास काट कर भरना और जो जो चीज़ें भरना। इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे ऊपर और चारों तरफ आइसिंग लगाना। उसके बाद प्लेट से चाकू से ऊपर और चारों तरफ यकसा आइसिंग लगाएं, और इसके लिए हुनर की ज़रूरत है, क्योंकि उसे प्लेट से चाकू से यकसा करना होगा। और इसके बाद है आपको देखिए आप फ़ोटो में दिखाया किस तरह आपको उसे प्लेन करना है, ठीक है, कोनों से ऊपर से। उसके बाद चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पाइपिंग और सजा। आखिर में ऊपरी सतह को आइसिंग के मुख्तलिफ़ नमूने, उसके लिए हमें पाइपिंग थैली और मुख्तलिफ नमूने बनाने टोटियाँ चाहिए, जैसे सितारा टोटी, फूल टोटी, रिबिन टोटी वगैरह। अब इसके बाद है चिकनाई प्रूफ कागज़ से पैकिंग थैली का मरहला, ये अलग चीज़ है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद जो है मतन पर मबनी सवालात हैं, और जैसे ये है आइसनिंग में मुंदा जेल का इजाफा है, दिखने में दिलकश लगना, आइसनिंग करने से पहले केक की बुनियाद पर केक रखें ऊंची देर, ताकि क्या हो संभालना आसान हो। इसके बाद अगला है गोल केक की बुनियाद केक के हजम से इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी 2 इंच। इसके बाद है आगे चकोर केक की बुनियाद केक के हर किनारे पर होती है 1/2 इंच। पाइपिंग थैली बनाने के लिए मुनासिब चिकनाई प्रूफ कागज़, ठीक है जी। आइसिंग के बाद है मक्खन आइसिंग है, पर सिर्फ आपको आइसिंग इसके अंदर बताई थी मैंने। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसको देखते हैं, बादाम की मिठाई। बादाम की मिठाई माजरी पैन पिसे हुए बादामों और चीनी के आमेजे से बनाया जाने वाला आमेजा, चिकनी मिट्टी जैसा आमेजा है। इसका गाढ़ापन साफ़ और रंगदार आमेजा पेस्ट को बनाने के तरीके के मुताबिक अलग होगा, मगर तैयार चीज़ों के केक को यकसा चटनी सतह पर बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आइसिंग लगाई जाती है। कई बार बेकर शादी वाले केकों में मसनूई रंग से रंग मजारी पेन भी इस्तेमाल करके ज़्यादा शानदार लगते हैं, मगर सफ़ेद मारजी पेन ज़्यादा मशहूर है। जब हम मारजी पेन को बेलते हैं तो तेल की तरह और भरभरी हो जाती है, चूँकि पकी हुई नहीं है इसीलिए इसे 3 दिन से ज़्यादा दिनों तक पकना ठीक नहीं है। अब इसके बाद है 1 किलोग्राम केक पर लगने का, 1 किलोग्राम केक पर लगाने के लिए बादाम चाहिए आपको 225 ग्राम, बारीक कैस्टर चीनी 125 ग्राम, बूरा चीनी 125 ग्राम, लीमू 1 चम्मच, बादाम की खुशबू के लिए अंडा 1 अड़ा। ये तरीका यहाँ है, यहाँ से आप देखेंगे। अब है रॉयल आइसनिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इस आइसनिंग केक को शाही सूरत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर शादी वाले केकों पर इस्तेमाल किया जाता है और देखने में चमकीला है। इसे बनाना आसान है और ऐसे केक दिखने में ही उम्दगी का एहसास देते हैं। बनाने में इसके क्या एहतियात रखना ज़रूरी है,
हालांकि हम कहते हैं ऐसे बनाना आसान है, मगर कुछ बातों के बारे में इंतहाई एहतियात बरतना होगी। ये बातें दर्ज ज़ेल हैं। और अगर आप 1 किलोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसकी अंडे की सफ़ेदी 2 अंडे, भूरा चीनी 450 ग्राम, नींबू का रस 1 लीटर। तरीका क्या है इसका? भूरा चीनी को 2 बार छाने और उसे खाली साफ थाली में रखें। अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से अलग रखें, साफ़ और पूरी तरह चिकनाहट से पाक रखें। इन अमल में जल्दी मत करें। कौन, जब आप आइसिंग केक बना रहे हो तो किन चीज़ों में जल्दी ना करें, तो उनको देखते हैं। जब आमेज़ा गाढ़ा हो जाए तो कांटा ऊपर निकाल दीजिए और जांच लीजिए। अगर आमेज़ा चिपकता रहता है और गिरता नहीं तो ये तैयार है। अब इसमें नींबू का रस डालिए और धीरे धीरे फेंटे। अगर आमेज़ा ज़्यादा गीला है तो इसे थोड़ी सी भूरा चीनी डालिए और फिर से कांटे के साथ फेंटे। केक के लिए महरूल थोड़ा पतला होना चाहिए ताकि सतह हमारे से। अब इसके बाद है पाइपिंग के लिए। पाइपिंग के लिए है कुछ और चीनी और दोबारा फटने, ताकि उससे पाइपिंग के ज़रिए केक को ठोस बनाना। अब यहाँ पे क्लासिक्स आइसिंग है। क्लासिक आइसिंग बहुत जल्दी बनती है, इसके बारे में इसको बनाने का तरीका पढ़ लेते हैं। बस पूरा चीनी 250 ग्राम, गुनगुना पानी 4 बड़े चम्मच, खाने का रंग कुछ बूंदे, और इसका तरीका भी देख लें आप। फॉन्डेंट आइसिंग और सजावट। चॉकलेट आइसिंग, ठीक है, ये फिर इन द ब्लैंक्स है, इनके आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे 4.1 का फर्स्ट का सी है ना, तो इसमें आप इसमें से भर लेंगे। तो ये आपका सबक नंबर, यहाँ पे सबक नंबर 4 जो था आपका पूरा हो गया। अब करेंगे हम सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 हमारा शुरू हो गया। पेस्ट लाई या आमेज़ा कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, तो इसका तारुफ पढ़ लेते हैं, उससे चैप्टर समझ में आ जाता है। इसके तारुफ में बेकरी और मिठाइयों की मीठी और मसालेदार चीज़ें बनाने में बुनियाद की शक्ल में मुख्तलिफ पेस्ट यानी लाइया या आमेज़ा इस्तेमाल किया जाता है। 5 बुनियादी किस्म के पेस्ट हैं। एक बार ये बुनियादी पेस्ट सीख जाने के बाद आप इनसे सैकड़ों मेवा बना सकते हैं। बुनियादी पेस्ट तैयार करके इनमें मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात हो सकते हैं। आम जबान में पेस्ट्री का मतलब छोटे छोटे साइज़ की सजावट वाले स्पंज केक हैं, जिसको बेकरी और कन्फेक्शनरी की ज़बान में वसी तनाजुर है। ये पेस्ट का ही दूसरा नाम या मुतरादिफ है, पेस्ट से ही पेस्ट्री बनी है। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुनियादी पेस्ट 5 बुनियादी पेस्ट हैं। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट और तहदार पेस्ट, उभरा फूला हुआ बफ पेस्ट, शो पेस्ट, डेशन पेस्ट, ये चंद पेस्ट हैं। अच्छा पेस्ट बनाना, अच्छी पेस्ट्री बनाने के लिए कुछ अच्छी बातें बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। जब अच्छी पेस्ट बनाना है तो क्या करना चाहिए, वो सवाल इम्पोर्टेंट। पहला काम है ठंडी जगह पर काम करना चाहिए, पर अपने हाथ भी ठंडे। दूसरा है आटा और नमक नाप के छानिए।
तीसरा है इसे मिलाने के लिए ठंडे पानी और कोल ब्लड वाला चाकू इस्तेमाल करें, हाथ जल्दी जल्दी चलाएं। पांचवा फूली और उभरी हुई पेस्ट्री के लिए नींबू का रस का इस्तेमाल करें। छठा है बनाने के बाद पेस्ट्री को 15 से 20 मिनट तक ठंडा कीजिए। सातवां है पेस्ट्री को धीरे धीरे ठोक कर हल्के से हमवार कीजिए। आठवां इसे बेलने के लिए हर बार बेलना अपने आसपास शुरू करते हुए दूर ले जाएं। बेलने के लिए बहुत कम आटा इस्तेमाल कीजिए। दसवां पॉइंट है पेस्ट्री सेकने के लिए नक्शी बख्श गरम ऊन इस्तेमाल कीजिए। ग्यारहवां खाना बनाने की जगह खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। जब आप अपनी बेकरी खोलें तो इस बात पर जोर दें कि अशिया खुद रिनी तैयार करने और फरोख्त की सभी अफराद सफाई का आला तरीन नज़म पर कायम, यानी सफाई सुथराई बहुत जरूरी। इसके बाद है क्या ना करें पेस्ट बनाते टाइम। अब इसके बाद है आप जो है केक अगर बना रहे हैं, पेस्ट बना रहे हैं, तो क्या ना करें। मिलाने के लिए कंघी गुनगुने पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। पेस्ट्री बनाते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ना बरतें, वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाएं। बेलते वक्त पेस्ट्री के किनारों को भी बेलें और पेस्ट बनाना सीखें। शॉर्टकट्स पेस्ट, सबसे पहले हम शॉर्टकट पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्टकट पेस्ट जो होता है वो बेकरी में शॉर्ट लफ्ज़ के मानी है तलनी लायक, यानी आसानी से टूटने लायक से है। मिट्टी जैसे साख्त या लफ्ज़ सख्त और लचीले की ज़िद लफ्ज़ है, ये पेस्ट्री से बनाई जाती है, इसलिए दबाने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में भरभरा जाता है। सभी रोगन चिकनाई के हामिल होते हैं क्योंकि ये आटे के खसूसी वजन और तैयार के लिए इस्तेमाल किया। इस्तेमाल मकदार के मुताबिक ग्लूटीन की तौसी खासियत को कम कर देता है। शॉर्टकट्स पेस्ट आटा रोगन वगैरह जेनी बेकिंग पाउडर और पानी और अंडे के महलूल शॉर्टकट के तैयार करने का तरीका बिस्किट के पिछले सबक में ही बताया जा चुका है। अगर आपको याद नहीं तो उससे रुजू कीजिए और फिर उसे मैंने यहाँ बिस्किट के बारे में बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद है तहदार पतली परत वाली पेस्ट्री और उभरी पेस्ट्री, ठीक है, तो इसका तरीका यहाँ देख सकते हैं। दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। उभरी पेस्ट्री में रोगन और आटे का तनासुब 1:1 होता है। तहदार पेस्ट्री में फी किलोग्राम आटे में 3/4 रोगन है। सारा रोगन एक ही मरतबा बेलने पर पलट दिया जाता है। रोगन के तीन हिस्से करके तीन तह में डाला जाता है। तह को तादाद ज़्यादा होती है, तह परतों की तादाद कम होती है। इससे 4 बार खाली बेलन होता है, इसे सिर्फ 1 बार बेलना होता है। अब तहदार परत वाले पेस्ट्री बनाने के लिए मतलूबा लवाजमा, अगर आपको तहदार पेस्ट्री बनानी तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। आटा 225 ग्राम, मार्जरीन 175 ग्राम, नींबू रस 1/2 नींबू, नमक 5 ग्राम, ठंडा पानी मिलाने के लिए। तरीका क्या है बनाने का, इसके बाद है तरीका जो है वो ये है। आटे और नमक को इकट्ठा छाने, छने हुए आटे के साथ 25 ग्राम मार्जिन अपने उंगलियों के पोरों के सहारे मिलाएं, जैसा कि पहले पेस्ट्री में बताया। डोरे से ठंडे पानी में नींबू का रस मिलाएं। नींबू का पानी और तैयार कीजिए। आटे के नरम लाइनी बनाएं, लाई का पेड़ा बनाएं और मेज़ की सतह पर गीले कपड़े से ढककर रखें, उसे 1/2 घंटे तक पड़ा रहने दें।
बाकी रोज़न को 50-50 ग्राम के 3 और 1 हिस्सों में तकसीम कीजिए और उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें। मेज़ की सतह और बेलन पर थोड़ा सा सूखा आटा डालें। पेपलेट चाकू के साथ हल्का सा निशान लगाकर बीच वाले हिस्से को 3-1 हिस्से में तकसीम कीजिए। लकड़ी के चम्मच से 50 ग्राम रोगन दें, उसे चकोर दो साथ और हिस्से पे करें। खाली तरफ के पहले मूड़े और बाकी के दो बड़ा हिस्से को मूड़े से कर लें। ये तरीका इसके अंदर इन्होंने दे रखा है। लीफ पेस्ट्री बनाने का मतलूबा लवाजमात: आटा 225, मार्जिन 225, लीमू का रस आधा, नमक 5 ग्राम, ठंडा पानी मिलाने का तरीका दे रखा है इन्होंने। आटे और नमक को इकट्ठा छाने, छने हुए आटे को 25 ग्राम, थोड़े से ठंडे पानी में लीमू का रस, पानी और तैयार करने के लिए आटे को नरम, और ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। कुछ गलत अब इसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं इस्तेमाल किए में पेस्ट्री में पेस्ट्रियों को बहुत कम तेज होना तेज़ ज़्यादा होनी चाहिए। बेकिंग के दौरान रोगन बाहर निकलना। हार्ड और सख्त पेस्ट्रियाँ बनना, हार्ड भी हो जाती। पेस्ट्री का यकसा ना फूलना, कुछ कम फूल जाती हैं क्योंकि रोगन यकसा। इसके बाद है पेस्ट्री का यकसा ना भूलना। अब मतन पर मबनी सवाल आते हैं आपके कि तहदार यानी हल्की परत वाले और उभरी लई में ख़ास फ़र्क बताएं। तो आप इसके जवाब देखिएगा। सभी बुनियादी पेस्ट्रियों के नाम बताएं। पेस्ट्री कितने प्रकार की होती है शुरू में बता दें। सही और गलत बताना। बफ़ और तहदार पेस्ट को प्रोडक्ट हमेशा अलग अलग बनते हैं। सही है, इसका आप राइट लगा दें। शॉर्टकट्स पेस्ट दही से बने वाले प्रोडक्ट के साथ नमकीन दरा होती है, गलत है। बफ पेस्ट बनाने के लिए ठंडी जगह का होना ज़रूरी है, सही है। तेदारी पेस्ट में उभरी हुई ज़्यादा रोगन की मेदार इस्तेमाल की जाती है, गलत है। ज़्यादा रोगन नहीं सब में मिला हुआ। लीमू का रस जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गलत। परस से हटाने के लिए गया। इसके बाद जो है भाई उभरी हुई बफ की अकसाम सब्जियों वाली ये सारी चीज़ें इसमें दी है। स्टफ़ बनाने का तरीका दे रखा है। फेटने बनाने के लिए सारी चीज़ें इसमें यहाँ दे रखी हैं। मशरूम खस्ता और क्या सवाल है। अब इसके अंदर यही इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको कराया। अब है अगला सवाल, अब आपके जो काम में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सही जवाब देना है तो इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें से देख के। अब अगले ये वाला हमारा सवाल नंबर 5 था। अब हम चलते हैं सबक नंबर 6, 7 और 8, 3 सबक रह गए। चलिए तो छठा करते हैं। डबल रोटी और ब्रेड रोल क्या होते हैं? जब आप खाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आप तक पहुंचती हैं, डबल रोटी और ब्रेड रोल, खुशबू होती है, एक साइज़ में होती है, तो इसको आप घरेलू तरीके से भी बना सकते हैं। क्या तरीका होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब सीखेंगे आज। डबल रोटी बनाने के अमल के बुनियादी उसूल। सबसे पहले आटा होना चाहिए, 4 तरह के लवाजमात की ज़रूरत होती है। खमीर होना चाहिए, पानी होना चाहिए और नमक होना चाहिए। तो कैसे बनेगा ये? डबल रोटी को मखवी और खुशबूदार बनाना और उसके रंग और साख्त में अक्सर चीनी, रोगन और अंडे भी मिलाए जाते हैं। डबल रोटी खमीरे के अमल से बनाई जाती है। इसमें खमीर, आटे में मौजूद शक्कर
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी और लचकदार होगी। खमीर चीनी शक्कर आटे के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी प्लस अल्कोहल। इसके बाद है किसमें क्या है, खमीरे के अमल में लाना, ये सारी बातें इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद खाली जगह दे रखी है, इसके जवाब आखिर में आपको मिल जाएंगे। डबल रोटी बनाने में मुस्तमिल फरंग, डबल रोटी बनाने में के अमल को वाजे करने में आमतौर पर कुछ तरह शामिल, ऐसे सभी अमल के नीचे वजाहत की जा रही है, तभी आप भी उनकी वाकिफ़ होंगे और सही मायने में समझेंगे। सबसे पहले है लुई, गाड़ी लई की शक्ल में तैयार किया गया आटा और रकीक शे का मिल मिलाना। सूखी अशिया में धीरे धीरे रकीक शे मिला, उससे लकड़ी के चम्मच या हाथ से तब तक मिलाते रहें जब से उसमें कोई लुई ना बन जाए। इस आमेजे को अगर मशीन में मिलाना है तो धीमी रफ्तार पर मिलाए ताकि आमेजा लुई की शक्ल ना हो जाए। गूंदना, उसके बाद आप गूंदें। उसके बाद खमीरा कारी, यानी लुई को अच्छी तरह गूंदने के बाद उसे खमीरा कारी की तरह रख दें, यानी उसको गोल करके उसमें रख दीजिए। खमीरा उठाना, यह अमल खमीरा कारी के दौरान है। जब दोबारा फेंटना, उसे दोबारा फेंटें। ब्राउनिंग, लुई तैयार करने के बाद उसे दुगना होने के लिए छोड़ दिया जाता है, वह सामने का हल्का हो जाता है और उठ जाता है, इसे ढक कर रखा जाता है। चमकाना ग्रेसफुली, ठीक है। दूध अंडा आटा, मुख्तलिफ किस्म की डबल रोटियाँ और उनके प्रोडक्ट। मुंदाजा ज़ैल रोटियां और रोलर बनाने की जानकारी होंगी। ब्रेड रोल, हम यहाँ छह चीज़ें हम सीखेंगे। हैम ब्रेड रोल, फ्रॉ बन, आम ब्रेड, दूध ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। तो चले एक एक करके हम इनको तरीके को सीखते हैं। ब्रेड रोल का तरीका, ब्रेड रोल आम तौर पर जो है हल्के नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सामान, इसमें आटा 225 ग्राम, दूध का पाउडर 5 ग्राम, नमक 2.5 ग्राम, चीनी 10 ग्राम, ताज़ा खमीरा 10 ग्राम, मक्खन या मार्जरीन 10 ग्राम, अंडा 1+1 धोने के लिए, एक धोने के लिए। तरीका क्या है, किस चीज़ को हम सीख रहे हैं, ब्रेड रोल बनाना। तो आटा और दूध को पाउडर मिलाकर छान लें, इसे मग में थोड़ा सा पानी तकरीबन 40 मिलीलीटर, एक दूसरे में तकरीबन 40 मिलीलीटर आमेजा बनाना। खमीरे के घोल को आटे में बनाए गए गूंधे में डालें और हाथ से मलें। आमेजा गाढ़ा बनाने को यकसा होना, ये सारे काम करने हैं आपको। फिर उसके बाद गूंदना, रोगन मिलाना, ठीक है। पहले खमीर कारी करना, खमीरे की तरह बनाना, फिर उसे दोबारा फेंटना, फिर दोबारा खमीर कारी करना, फिर दोबारा फेंटना, फिर उसके बाद मुतवस्सित ब्राउनिंग करना, फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका बेकिंग ट्रे तैयार करना, ठीक है। फिर गोलों की शक्ल देना, गोल गोल। और फिर उसके बाद है आखिरी जांच, फिर जांचना, अंडे से धोना, फिर सैनिंग करना उसके 200 डिग्री पर 25 से 25 मिनट ठंडा करना, है ना। फिर उसके बाद अगला है गोल कांडदार हाला नुमा, ठीक है। ब्रेड रोल के बहुत से साइज होते हैं, सादा, एक खंड रोल, ये नहीं है खैर। हमें लुई को कैसे गूंदते हैं, खमीरा कारी क्या है, दोबारा गूंदना क्यों ज़रूरी है, डबल रोटी पर वक्त रो क्या है, ये सारी बातें इसके अंदर। इसके बाद है
हैमग्री रोल। हैमगर रोल क्या है? ये रोल हैमगर सब्जी वाले बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आटा 1 किलो, नमक 20 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, ताजी 20 ग्राम, अंडा 1 धोने के लिए। तरीका इसमें दे रखा है, तरीका पढ़ लें आप, ठीक है। जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया, इन सब के तरीके आप देखते रहें, पढ़ लें एक बार इसमें से ही, ठीक है। मिल्क ब्रेड भी है, मिल्क दूध वाली ब्रेड, ठीक है। दूध की ब्रेड भी ऐसे ही दूध से बनेगी, तरीका दे रखा है, तरीका पढ़ने आप इसका एक बार। ब्राउन ब्रेड का बताया था आपको, ब्राउन ब्रेड ये सादा आटे और होल मील फ्लोर के मसावी मकदार में मिलाकर बनाई जाती है। मगरबी मुल्कों में बहुत मकबूल है क्योंकि मकवी होने के नुक्ते से इंतहाई उमदा माना जाता है। होल मील फ्लोर में विटामिन बी कैम्प्लेक्स और कुछ मादी जींस मकदार में पाए जाते हैं। इस डबल रोटी के अंदरूनी हिस्से हल्के भूरे रंग, आटा चाहिए, होल मील चाहिए, खमीर चाहिए, नमक चाहिए, चीनी चाहिए, कैमरल चाहिए। तरीका क्या है? आटा और होल मील को मसावी तौर पे मिला के छान लें, थोड़ा सा पानी मिलाएं, नमक और चीनी गूंद लें, आटा खमीरे को मिला लें, गूंदे रोगन मिलाकर गूंदें, इसका हजम दुगना हो जाएगा। फेंटें खमीरा कारी के लिए, दोबारा करें, दोबारा फेंटें। तोल को 40 ग्राम वजन करें, शक्ल देकर चिकनाएगा। आखिरी प्रोसेसिंग के लिए 30 से 40 मिनट रख दें, ढक्कन बंद कर दें। सिलाई काटने से पहले रेत का ठंडा करें। डबल रोटी को उल्टी कैसे करें? बैरूनी खसूसियात भी दे रखी हैं इसमें, ये भी देख लें आप, ठीक है। यकसा सीना, अंदरूनी खसूसियात, साफ। डबल रोटी की कमियां और उन्हें दूर करने की तरकीबें। डबल रोटी में बहुत सी कमियां, जैसे हजम बहुत कम होता है, ठीक है। लोई गढ़ी होना या इसमें पानी की कमी, खमीर थोड़ा होना, लोई के खमीर, गूंदा हुआ आटा और ठंडा होना, नमक ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये यहाँ पे वाले चैप्टर के अंदर जो मेन मेन चीज़ें थी। डबल रोटी की ख़राबियाँ, चिपकन पैदा होना, फफूंदी लगना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फफूंदी से रोकथाम के लिए वाले मतन पर मबनी सवाल है। ये सारे सवाल आप पढ़ लीजिएगा और इनके जवाब यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इनके जवाब हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अगला, ये था सबक नंबर 6, हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7। अब इसके बाद अगला सवाल है, अगला सबक है 7वां, ये है डेनिश पेस्ट्री और क्रोसनेट। तारुफ इसमें दे रखा है कि आपने कुछ तरह आपने गूंदे हुए आटे में खमीरा उठाने के बारे में पढ़ा, डबल रोटी की चीज़ें बनाएं, इसी खमीरे में जो है ये सब अंडा डबल रोटी के जायके हुए। बेशतर रोल नाश्ते के वक्त खाए जाते हैं, क्रोसमिन रोल भी काफ़ी हद तक मशहूर है। तो इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? मुख्तलिफ किस्म के मजीद और उम्दा डबल रोटियां रोल के बारे में बताएंगे। पहला इसके अंदर है ब्रियोश, ये सबसे मकवी खमीरी डबल रोटी है क्योंकि इसमें बहुत सा मक्खन और अंडे होते हैं। इसके खमीरे उठाने, खमीरी करने और इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे उठने से ब्रियोश गर्म और ताज़ा खाने में अच्छा लगता है क्योंकि गर्म खाने में इसमें मक्खन का मज़ा पूरा दिखता है। इसे ठंडा भी खाया जाता है, इसमें मौजूदा रतूबत ज़्यादा चिकनाई की वजह से इसमें काफ़ी दिनों तक रखा भी जा सकता है। तरीका क्या है इसके बनाने का? आटा 225 ग्राम, नमक, ताज़ा कैम्प्रेस खमीर, दूध, चीनी, अंडा, मक्खन। तरीका अमल क्या है? 3 हिस्सों में तकसीम। हिस्सा अव्वल है थोड़े से गुनगुने दूध के महलूल में तकरीबन 50 ग्राम छना हुआ आटा मिलाकर उसे नरम गूंदें।
खमीरे और दूध के महलूल में 50 ग्राम छना हुआ आटा मिलाकर उसे नरम किया। इस रुई के घीरे छाड़ में 330 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रख दिया। इसे तब्दील करदा स्टार पर आटा कहा जाता है। थोड़ा सा दूध और चीनी मिलाएं, बाकिया दूध खमीर में मिलाएं। डोनट्स हिंदुस्तान में मकबूल आम चीज़ है, गैर मुल्कों में से नाश्ते के तौर पर लिया जाता है। डोनट बनाने का तरीका आ सकता है, आटा लें 450 ग्राम, चीनी लें 50 ग्राम, नमक लें, अंडा लें, दार चीनी का सफूफ लें, कैस्ट्री चीनी लें, दूध लें, तेल तलने के लिए लें जितना जितना दिया हुआ है उतना। तरीका क्या है बनाने के लिए डोनट्स बनाने का? छने हुए आटे को ढेरी बनाकर बीच में गड्ढा बना लें, फिर उसके अंदर 50 मिलीलीटर दूध में खमीर घोल दें, 50 मिलीलीटर दूध में नमक और चीनी घोल दें, अंडों के फेंट कर खमीरे वाले खोल में मिला दें, खमीर और अंडे वाले घोल को नमक चीनी के घोल के आटे के बीच डालकर अच्छी तरह मिलाएं, अगर वो दूध की ज़रूरत हो तो डालें और अच्छी तरह मिलाएं, चिकना होने तक गूंदें और रुई को दिखना होने तक खमीरे आटा खमीर उड़ जाने के बाद उसे दोबारा फेंटें। उसकी गोलियां बनाएं और गीले झाड़न से ढककर रखें। मेज पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कें और उस लोई को आधे इंच के मोटाई के हिसाब से रोल बनाएं। थाली के ऊपर एक झाड़न बिछा दें और उस पर सूखा आटा छिड़कें। उसे डोनेट रखने के लिए इस्तेमाल। अब डोनेट के रोल को डोनेट कटर से काटें। इस कटे हुए डोनेट्स पर आटे, इसके बाद है इसमें आप जो है इस डोनेट के रोल को डोनेट कटर से काट लें। अब कटे हुए डोनेट्स पर आटे वाले झाड़न के ऊपर से दूसरा झाड़न डालें जब तक इसका साइज़ दो गुना ना हो जाए। इसे किसी गर्म जगह पर रखें, इससे पहले फिर से दोबारा जांच लें। इसके बाद है अब कढ़ाई में घी गरम करें और डोनेट्स को इसमें तल लें। जब निचला हिस्सा सुनहरा हो जाए तो इसको पलट कर ऊपर के हिस्से को तल लें। पूरी तरह तले जाने के बाद घी से निकाल कर कागज़ पर रख दें ताकि इसकी इजाफी तेल सूख जाए। प्लेट या तली थाली में कस्टर्ड चीनी दार चीनी लगाएं। इसके बाद जो है आप प्लेट या थाली में कस्टर्ड चीनी दार पाउडर को मिलाएं। डोनेट्स पर उस दार चीनी वाली चीनी प्लेट पलट दें। आप उस महलूल से 20 डोनेट्स बना सकें। तो ये डोनेट्स बनाने का तरीका था। इसी तरह और भी चीज़ें जैसे करवाई सेंट या गेस्टर रोल कैसे बनाएं, पूरा तरीका है। नुस्खा ये दे रखा है, इसमें आटा, नमक, चीनी, खमीर, अंडा, दूध ये सब डाल दें। ज़्यादातर चीज़ों में देखिए बेकरी में आटा, नमक, चीनी का इस्तेमाल होता ही होता है, बुनियादी चीज़ें। तरीका दे रखा है बाकी बची हुई चीज़ों का, गूंद और चीज़ को, गोंद और चीज़ का बनाना, रोल बनाना और रोगन मिलाना, ठीक है। मतन पर मबनी सवालात आएंगे, रोल टेनिस में रोगन मिलाने का तरीका क्या कहलाता है, रोगन मिलाने के बाद ये जो खाली जगह है ना, ये जितनी भी इनमें इसका क्या जवाब आएगा, 7.1 है याद रखिए, इनके जवाब आखिर में आपको मिल जाएंगे। अब डेनिश पेस्ट्री, ठीक है, डेनिश पेस्ट्री किसे कहते हैं? इसमें मीठी खमीरा उठी लोई को अक्सर मुख्तलिफ साइज जैसे बड़े और छोटे आम या सख्त तफसीली हयतों में काटा जाता है। इसमें मीठी या रसीली भराई डालकर इसे ते लगाई जाती है। कॉफ़ी के साथ ये नाश्ते में खाने वाली डबल रोटी को डेनिश ब्रेड पेस्ट्री कहते हैं। कैसे बनती है, क्या क्या मतलूबा लवाजमात, आटा, अंडा, घी, अंडा ही बहुत चलता है, कुछ तो बुनियादी चीज़ें सब में वही चलती हैं, ये सारी चीज़ें, पानी, केस्टर वगैरह। तरीका यहाँ पे दे रखा है कैसे बनाएं। मेज़ा, आटा 20 ग्राम, खमीरे का पानी और ये सारी
चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख देना। ठीक है, सारी चीज़ें डालेंगे और ये बन जाएगा। अब इसके बाद मतन पर मबनी सवाल आते हैं, सही या गलत के निशान लगाना। मकवी खमीरा लोई में खमीरा उठाने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसका सबका जवाब जो है आपको आखिर में मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ये 7.2 है, 7.2 में जो पहला है वो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा भी गलत है। पढ़ते हैं अब चारों को, इनको क्या पूछा है इन्होंने दोबारा से एक बार देख। पहले का सवाल बिल्कुल सही है, दूसरा जो है ये है ब्रियोश की लुई के अहम रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि इससे उसका खमीर से आ जाता है, गलत है। तीसरा, डोनेट बनाते वक्त गूंधे हुए आटे को बढ़ाने के लिए हम खमीर या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, सही है। मकवी लुइयों से तैयार किए जाने वाले बेस्तर और खसूसी तौर पर नाश्ते में खाए जाते हैं, ये भी सही है। इसके बाद आगे कुछ सवाल हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रा लुई किसे कहते हैं, बेकिंग सेकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मकवी क्या है। अब यहाँ पे रेशन पेस्ट्री की दो एक्साम है, बादाम भरी हुई पैन वेलेंस पेज में मिठाई रसी देकर, ठीक है। और इसके बाद मतन पर मबनी ये सवालात हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद आखिरी सबक है, ये जो था हमारा सबक नंबर 7 था, अब आखिरी सबक की तरफ चलते हैं। शख्सी जो अकाउंट्स होता है वो किसी शख्स या तंजीम का होता है, और असासा जात अकाउंट ये खाता है ऐसी चीज़ें असासों के जात जिसमें कारोबार की मलकियत है, यानी जैसे फर्नीचर, मुख्तलिफ अशिया, मशीनरी वगैरह, ऐसे साकेल अकाउंट होता है जिसे करंट अकाउंट। अलामती या नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट सिर्फ खसारा या आमदनी सुरियावी नहीं होते, खसारा या आमदनी को सुरियावी से किराया, तनख्वाह, सूद, बीमा, इनके लिए होता है। अब इसमें माल ये वो आमदा है जिसमें अपना कारोबार चलाना हमें शक्ल देता है, बेहतर प्रोडक्टों की तब्दीली करेंगे, ग्राहकों को फ़रोख करेंगे, इसका अहम मकसद फ़रोख करना और मुनाफा कमाना होता है, ठीक है। इसके बाद है ख़रीदार का अकाउंट, जब माल ख़रीदा जाता है तो हम उसकी सभी मुद्दतों को अलग अलग हेड के तहत लिखा जाता है, इसे खरीद का अकाउंट है। फरोख्ती अकाउंट, ये माल फरोख्त किया जाता है उसे फरोख्ती अकाउंट नाम, मतलब दो हमारे अलग अलग वो बने होते हैं अकाउंट, जिसमें जो भी ख़रीदेगा उसमें आएगा, जो भी बेचेगा उसमें। ख़रीद वापसी का अकाउंट यानी रिटर्न का अकाउंट, जिसमें सामान रिटर्न हो जाता है। फरोख्ती वापसी इसमें फराम, अब डेबिट, डेबिट नाम अगर किसी सौदे में कोई चीज़ हासिल की जाती है, हासिल किए जाने वाले मुनाफा होता है या घाटा होता है तो उसे हमेशा डेबिट में डाला जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई मशीन ख़रीदी जाती है तो उसे डेबिट किया जाता है, या अगर कोई रकम पटेल को दी जाती है तो उसे पटेल के नाम डाला जाता है, जब किराए की अदायगी की जाती है तो उस किराए का नाम डाल डेबिट किया जाता है। जमा यानी क्रेडिट, डेबिट का मतलब निकालना और जमा, क्रेडिट का मतलब जमा करना, यानी हम जो है किसी सौदे में जब कोई चीज़ देते हैं मुनाफा होता है तो हमें क्रेडिट होता है। देनदार, डेबिटर जो होता है वो देनदार होता है। जब कोई शख्स किसी चीज़ को हासिल करे मगर उसकी कीमत नहीं दी, वो देनदार कहलाता है। मसलन अलिफ को 100 रुपये की कोई माल फरोख्त करता है, उसकी अदायगी फौरन नहीं करता बल्कि किसी मुकर्रर अदायगी करता है, तो अलिफ आपका देनदार बन गया, यानी डेबिटर हो गया, और लेनदार यानी क्रेडिटर। जब कोई शख्स आपको कोई चीज़ देता है लेकिन आपने उसकी अदायगी नहीं की तो आपका आप लेनदार है। मिसाल के तौर आपने 100 रुपये की मकदार माल खरीदा, उसकी अदायगी नहीं, लेकिन एक मुकर्रर वक्त में उसकी अदायगी कर देता है तो बा आपका लेनदार है। बही खाता अकाउंट्स, हिसाब व किताब का दोहरा अंदराज। बही खाता अकाउंट जो है सिस्टम कारोबार का अकाउंट्स होता है, ठीक है। इमलाक या असासाजात, किसी वाजिब तारीख को हम कारोबार के पास क्या क्या जैसे नकद,
नकदी, बीमा, मशीनों वगैरह, ये रहता है असासजात। वाजिबात उन्हें कहा जाता है जिनकी अदायगी हमारे कारोबार के लिए की जाती है, जैसे काबिल अदा बिल हमारा लेन देन, क्योंकि हमें मुकर्रा वक्त और मुद्दत के अंदर कुछ अदायगी करनी। पूंजी मलकियत है जिसे कारोबार के मालिक ने कारोबार चलाने में उसमें लगाई है, ठीक है, जैसे ज़मीन, इमारत, नकदी वगैरह। यहाँ पे अकाउंट्स के तीन मरहले होते हैं। पहला मरहला जो होता है वो पहला इंदराज, दूसरा इंदराज दर्जा मंदी, तीसरा आखिरी इंदराज। पहला इंदराज जो होता है वो जर्नल में दर्ज, ताकि कोई भी सौदा बगैर दर्ज किए ना कर सके। दूसरा इंदराज कारोबार में मुख्तलिफ अकाउंट की हालत में किया जाता है। आखिरी इंदराज अकाउंट के मखसूस रकम से मुकर्रा मुद्दत के लिए आखिरी अकाउंट में किया जाता है। और इसके बाद कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब फिरिंदा बिलेंस के आपको आखिर में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। रोज़ नामचा जर्नल, रोज़ नामचा भी जो है होता है, मिसाल तारीख, तफसील, नेचर सफ़ा, रकम नामा, डेबिट क्रेडिट, कितने रुपए लिए, कितने निकाले, ठीक है जी। इसके बाद है, यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, कुछ जनरल चीज़ें हैं। लेजर, लेजर के बारे में हम पढ़ेंगे। लेजर क्या होते हैं? खाते, जिन लोगों के साथ हम कारोबार करते हैं उनके नाम का एक लेजर बना लेते हैं और उनके नाम का बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो बिज़नेस कर रहे हैं IMC के साथ कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे IMC दिल्ली, ठीक है, तो IMC लिख के दिल्ली लिखेंगे, और ये परचेज पार्टी है तो इसके आगे CR लिखेंगे, तो इसका एक लेजर बन जाएगा, इसी को बोलते हैं लेजर। इसके बाद रोल नाम है लेजर में चढ़ाना, लेजर के अंदर हम जो भी चीज़ होती है उसे चढ़ाते हैं, किसने कितना ख़रीदा, किसने कितना बेचा। इसके बाद जो है यहाँ पे मश्क दे रखी है तो आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? कच्चा छठा वो तफसील जो अकाउंट्स के जरिए लेजर में चढ़ाना है। अकाउंट उसूल दोहरा इंदराज सिस्टम होता है। कच्चा होता है जो हम हाथ से चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे फिर इंदा बिलेंसेस के जवाब भी आपको आखिर में मिलेंगे। कच्चा माल कैसे ख़रीदा जाए? स्लाइस से ख़रीदना, खुले बाज़ार से ख़रीदना, और लागत, सामान की लागत, ऊपरी खर्च की लागत, लेबर लागत, मजमूई मुनाफा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर सवाल आ गए, इनके जवाब भी आपको आखिर में मिलेंगे। इसके बाद जो है भाई ये आ जाता है बेकरी में काम होने वाले अल्फाज, सवाल आ सकता है। एक्टिविटी, ठीक है, एरिएशंस, मेदार, एल्बम, ये वो अल्फाज हैं जो बेकरी में इस्तेमाल होते हैं। बार, बेटर, ब्लेंड, ब्रेन, ये सब जो है नाम है, आप इनके मतलब भी सामने लिखे हुए। मक्खन, क्रीम को जमाना, मक्खन स्केच, ये सारे जो है नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये वाला, ये सब नाम है, बीट, बाउल, केक, ठीक है, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो लाए उसमें केक की, पेस्ट्री की, उसमें दुकानों में इस्तेमाल में आते हैं। आप सारे नाम देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट, इन सब नामों को आप पढ़ लें, ये आपके सारे जो है काम आएंगे। इसको क्या कहते हैं सबका, बहुत डीपली मैंने अपना जितना पढ़ा सकता था पेपर के हिसाब से अपनी तरफ से तैयार, या आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया, पूरी बुक समझा दी एक वीडियो में, पसंद आई आप तो इसमें जो है आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसे आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुक्रिया।